कैनन लॉन्च किया है कैनन पावर शॉट जूम कैमरा। ये एक पॉकेट साइज पावर जूम कैमरा है दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चीज है। तो इस वीडियो में कैनन पावर शॉट जूम कैमरे के हार्डवेयर स्पेसिफिकेशंस, लॉन्च डेट, अवेलेबिलिटी डिटेल्स और फीचर्स के बारे में जान लेते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले नेता टाइप आदा का मत करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में देखिए लाइक बटन है उसको दबाइए और बेल को तो जरूर दबाइए। कैनन पावर शॉट जूम कैमरा या पॉकेट कैमरे के लुक, डिजाइन और डायमेंशन आप स्क्रीन में देख के ही समझ सकते हैं। चलिए बात करते हैं इसमें दिया गया हार्डवेयर स्पेसिफिकेशंस और फीचर्स के बारे में। यहाँ आपको 800mm डिजिटल जूम देखने को मिलेगा, 100-3200 ISO स्केल देखने को मिलेगा। यहाँ जो ऑप्टिकल लेंस आपको दिया जाएगा f/5.6-f/6.3। यहाँ आपको जूम बटन, पावर बटन, फिर मेनू बटन फ्रंट साइड में देखने को मिलेगा और रियर साइड में आपको फोटो और वीडियो शटर बटन देखने को मिल जाएगा। कैनन पावर शॉट जूम कैमरा में जो सेंसर को यूज किया गया है 12.1 मेगापिक्सल का 1/3 इंच सीमो सेंसर आपको यहाँ देखने को मिलेगा। यहाँ दोस्तों कैनन 200D में जो प्रोसेसर को यूज किया जाता है डिजिक 8 प्रोसेसर आपको यहाँ भी देखने को मिलेगा। इस छोटे से पॉकेट कैमरे में आपको फेस रिकॉग्निशन, ऑटो फोकस, फिर ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन देखने को मिलेगा। यहाँ जो फोटो और वीडियो को आप रिकॉर्ड करेंगे डेडिकेटेड एक ऐप मिलेगा जिसमें आप मोबाइल से सारे प्रीव्यू या एक्सेस कर सकते हैं। कैनन पावर शॉट जूम कैमरे में आपको 1080p HD वीडियो रिकॉर्डिंग फैसिलिटी मिल जाएगा, वो भी आप 24fps पे वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं। और एक फीचर यहाँ दिया गया है 10fps पे आप कंटिन्यूअस मोड में शूट कर सकते हैं। यह कनेक्टिविटी ऑप्शन में आपको USB-C टाइप पोर्ट मिल जाएगा, SD कार्ड से आप एक्सपैंड कर सकते हैं इसका इंटरनल स्टोरेज को। वेट की अगर बात करें तो 144 ग्राम इसका वेट है। तो फिलहाल कैनन पावर शॉट जूम कैमरा जापान में लॉन्च हुआ है दोस्तों, सुनने में आ रहा है कैनन बहुत ही जल्दी इसको इंटरनेशनल मार्केट के लिए अवेलेबल कर देगा। तो होप दोस्तों कैनन पॉकेट कैमरा, कैनन पावर शॉट जूम कैमरे के ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल साबित हुआ होगा। अगर है तो किसी सोशल प्लेटफॉर्म में वीडियो को शेयर कर दे। तो नो मोर बकबक, चलिए यहीं पे वीडियो को कंट्रोल करते हैं।